तो हम लोग गुवाहाटी में रूम ढूंढ रहे थे, तो ऐसा एक रूम मिला भी हम लोग को। ये वाला 3 BHK अपार्टमेंट है, लाइक रेंट है, और ये इसका कुछ एंट्रेंस, और यहाँ पे एक रूम है 3 BHK का। ये वाला पहला रूम है, ये वाला वॉशरूम है, क्वाइट नाइस। और इस तरह बेल्कनी भी है, ये आपका बेल्कनी भी है, छोटा मोटा बेल्कनी भी है। उस तरफ और दो रूम है, ये वाला एक वाश और एक और वॉशरूम है आपका, जो कॉमन वॉशरूम होता है। ये वाला डाइनिंग एरिया है बेसिक, और ये वाला और एक रूम है, वाला साइज थोड़ा छोटा है, थोड़ा से मास्टर बेडरूम है। और ये वाला और एक रूम है, और इस तरफ भी बेल्कनी टाइप है छोटा मोटा बाहर, और ये और एक रूम है। तो अभी हम लोग यहाँ पे है और एक रूम देखने के लिए। तो ये वाला भी और एक रूम है आपका 3 BHK, एंड ये वाला इसका कुछ एंट्रेंस था वो वाला, और ये वाला इसका कुछ हॉल एरिया, एंड ये एक रूम है, ये बहुत ही सिंपल है, ये वॉशरूम है। इसके बाद इस तरह किचन होगा, हाँ एक किचन है, किचन थोड़ा बड़ा ही है। और ये रहा आपका और एक रूम, एंड ये वाला रहा आपका मास्टर बेडरूम विद लाइक वॉशरूम। इसके हिसाब से वो जो हम लोगों ने पहले वाला रूम देखा वो थोड़ा अच्छा था, लेकिन देखिए इसका एक्सेस इस तरफ भी है, वॉशरूम का एक्सेस इस तरफ भी है, और इस तरफ और एक भी डोर है। और ये वाला आपका ग्राउंड फ्लोर में है, जो आप लोगों को जो पहले वाला दिखा है वो वाला था फर्स्ट फ्लोर में, ये वाला ग्राउंड फ्लोर में। यही है कुछ रूम, किचन भी बड़ा है, लेकिन रूम थोड़ा छोटा है यहाँ का इफ यू कंपेयर टू लाइक प्रीवियस रूम। तो अभी देखते हैं और कहाँ पे रूम मिलता है, अभी और भी ढूंढने चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है, और ये रहा हम लोगों का नया रूम, और ये है आपका हॉल एरिया, एंड एंट्रेंस कुछ यहाँ से होता है, एंड ये है एक बेसिन, और वहाँ पे डाइनिंग एरिया, एंड थोड़ा वहाँ पे स्पेस भी है। ये है एक रूम जो सबसे पहला रूम है, ये वाला एक रूम है, और इस तरफ है आपका बेल्कनी, इस तरफ है आपका बेल्कनी। अभी एक्चुअली राइट अभी रात का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। एंड इस तरफ है एक वॉशरूम मिले हम लोगों को, एंड इस तरफ है किचन, मींस बहुत ही गंदा हो रखा है रूम, बिकॉज हम लोगों ने जस्ट शिफ्ट किया है। एंड एक और एक रूम है, ये वाला आपका 3 BHK रूम है, और यहाँ पे मैंने दो प्लान्स, और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बना के रखा है पिछले सीटिंग एरिया। एंड ये है और एक रूम, ये वाला लास्ट रूम है, ये वाला 3 BHK का रूम है, एंड इस तरफ एक वॉशरूम है इस रूम का। तो यही था कुछ ए रूम का, एंड अभी ऑलमोस्ट आपका 3 बजने वाला है। तो हम लोग का क्या हुआ, 3-4 दिन हो गया था, पानी नहीं आ रहा था, कुछ इशू था, वो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, तो स्ट्राइक था या कुछ था। तो अभी हम लोग का जो टेंकी आया पानी का, तो उसके लिए हम लोग को छत में जाना पड़ा, और इसके बाद पानी फिल करना पड़ा। मैं नहीं गया था, मैं ब्लॉक कर रहा था, और बाकी दो दोस्त गया था। तो इस रूम का हम लोग को प्राइस पड़ा है 20,000, और एक्स्ट्रा एक महीने का हम लोग को वो देना पड़ा ऐसे सिक्योरिटी मनी। तो ऑल टोटल हम लोगों के अप्रोक्स लाइक 40,000 गया इस रूम पे। हम लोग 4 लोग मिल के रह रहे हैं यहाँ पे, मैं और मेरा एक दोस्त रह रहे हैं, और यहाँ पे मेरा कुछ प्लांट्स रखा है मैंने यहाँ पे, और इस तरह भी कुछ प्लांट्स हैं जो अभी के लिए यहाँ पे रखा है, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ हम लोगों ने शिफ्ट किया है। तो अभी आप लोगों ने जो रूम देखा वही था, ए मीन्स 3 रूम था और एक हॉल है और 2 वॉशरूम है वही है रूम पे। एंड रूम का प्राइस है 18,000, एंड हम लोग को 2K देना पड़ता है, सोसाइटी चार्ज के लिए लेता है। और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही था वीडियो। एंड बहुत ढूंढने के बाद ये वाला हम लोगों को रूम मिला, और भी रूम मिला था एक्चुअली, हम लोगों ने बहुत ढूंढा ऑनेस्टली, बहुत ढूंढने के बाद हम लोग ए रूम फाइनल किया, बिकॉज यहाँ से सबका सामने पड़ रहा, और आपका ए रूम है भांगा घर में, मीन्स हम लोग अच्छा एरिया में मिल गया थोड़ा कम प्राइस में, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, डायरेक्टली बुक कर दिया। और यहाँ पे थोड़ा पार्किंग का इशू हो गया था, बट समहाउ हम लोगों ने जो रेंट ओनर है उसके साथ बात करके जैसे जैसे पार्किंग का मैनेज कर लिया। तो वीडियो में ही था, बस बहुत ढूंढने के बाद ये वाला रूम ही हम लोगों ने फाइनल किया। एंड दिस इज फॉर टू द गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो एक
देना थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।